सो ही हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप सभी बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे ना। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, खास तौर पे यार एनिमल लवर्स के लिए, क्योंकि यार इस तरह की वीडियो मैंने कभी भी अपने चैनल पे नहीं डाली है। अच्छा, मैंने बहुत सारे ड्रेस कॉम्बिनेशन डाले हैं, लेकिन ऐसा ड्रेस कॉम्बिनेशन आपने मेरे चैनल पे देखा ही नहीं होगा, क्योंकि यार मैंने डाला ही नहीं है, तो देखोगे कहाँ से। ये क्या बात करता है यार। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ ड्रेस कॉम्बिनेशंस लाइक योर फेवरेट एनिमे करेक्टर्स, जैसे कि नरूटो का ड्रेस कॉम्बिनेशन, काकाशी का ड्रेस कॉम्बिनेशन। इस टाइप से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेल करेक्टर्स के। मैं नहीं मानता। एंड गाइस, इस वीडियो को बनाने में सच में काफी टाइम लगा है, तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड यार चलो बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमी करेक्टर, मेरा क्रश, जिसका नाम है गोजो। यार इतना पसंद है ना मेरे को, मेरे व्हाट्सएप की डीपी पर, मेरे व्हाट्सएप के वॉलपेपर पर, फोन के वॉलपेपर पर, सब जगह यार गोजो ही गोजो रहता है, स्टेटस पे भी गोजो ही रहता है। एंड गई, जो गोजो है वो पूरे ब्लैक कपड़े पहनता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर रखा है। एंड यार मैं बता दूं पहले कि मैंने इसमें साइड ड्रेसेस यूज की है, मोस्टली टॉप अप वाली भी और फ्री वाली भी, मिक्स ड्रेस कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री के होंगे या सिर्फ टॉप अप वाले होंगे, तो इसलिए दोनों ही कपड़े मैंने यूज किए। एंड बाकी बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो क्या क्या मैंने यूज किया है। एंड स्पेशली इसके आईज के लिए मैंने ब्लू कलर वाला पेंट यूज किया है, बिकॉज यार ब्लू ही इसकी आईज होती है मेन, और साथ ही इसके बाल मेन है, लेकिन मेरे पास कोबरा बंडल नहीं है, तो इसलिए मैंने गोजो का ये वाला स्टाइल बनाया है, जो कि साइड पे पिक पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि चश्मा भी वो लगाता है, तो मैंने चश्मे वाला बनाया। तो आप लोग देख सकते हो यार कितनी ओपी लुकिंग इसके अंदर आ रही है, पूरा परफेक्ट लुक दे रहा है। अगर आप लोग चाहो तो ब्लैक टी शर्ट भी लगा सकते हो, अगर आपके पास हो तो ब्लैक टी शर्ट लगाना बड़ी ओपी लगेगी। Very dangerous. अगर आप लोगों को इसकी आंखों में पट्टी वाला लुक पसंद है, तो यार इस तरह से आप लोग बना सकते हो। मेरे पास यार अच्छा वाला ब्लाइंड फोल्ड नहीं है, जो कि एक एशियन क्रेड के टाइम पर एक बंडल का आया था, तो अगर आपके पास हो तो वो लगा लेना, और कोबरा के बाल लगाना बड़ा अच्छा लगेगा। और अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। सो गाइस, जो नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ वो है हमारा नरूटो, जो कि यार बहुत सारे एनिमे लवर्स का फेवरेट होगा। हालांकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन स्टिल काफी लोगों को ये पसंद है करेक्टर, तो मैंने इसको बनाया है। आप लोग देख सकते हो मैंने क्या क्या यूज किया है बैकग्राउंड में। एंड इसको बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि यार इसकी टाइप की ड्रेसेस मिल नहीं रही थी गेम के अंदर। एंड ये पूरे ऑरेंज कलर के कपड़े पहनता है, तो उसी तरह का लुक मैंने देने की ट्राई की है, डायमंड रॉयल के साथ परफेक्ट लुकिंग आ रही थी। एंड यहाँ पर आप लोग फाइनल लुक देख सकते हो, बस इसके पीछे की जो लहराती हुई चोटी है इसको इग्नोर करना, क्योंकि यार येलो बाल मेरे पास अच्छे वाले थे नहीं, तो इसलिए ये वाले बाल लगाने पड़े। एंड इसके अलावा मैंने एक और भी बनाया है, जो कि आप लोग देख सकते हो नरूटो के लिए, इसमें थोड़ी सी सही लुकिंग आ रही है, लेकिन थोड़ा सा छपड़ी टाइप का लगेगा, बिकॉज जो बाल है वो थोड़े छपड़ी वाली लुकिंग देंगे। एंड अभी बढ़ते गाइस हमारे थर्ड कॉम्बिनेशन की तरफ, तो थर्ड नंबर पे मैंने बनाया है काकाशी, बिकॉज यार नरूटो बनाया है तो काकाशी ने बनाती तो आप लोग कमेंट करते, तो इसके लिए तो यार मोस्टली टॉप अप वाली चीजें ही लगी हैं, क्योंकि यार इसका जो मेन मतलब हेयर स्टाइल है ना, वो एक टॉप अप वाले भुया पास में, आई डोंट नो कौन सा भुया पास था यार, आई थिंक ये पिछले मंथ का भुया पास है, तो उसी में ही सबसे ज्यादा इसका परफेक्ट लुकिंग आ रहा था। एंड आप लोग चाहो तो पर्पल शेड के भी बाल लगा सकते हो, लेकिन सबके पास वो होंगे नहीं। एंड अगर आप लोग चाहो तो कोई दूसरे बाल भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यही परफेक्ट बाल थे इसके लिए। एंड थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर का कपड़े पहनता है ये, तो जितना हो सका मैंने सेम टू सेम बनाने का कोशिश किया। यहाँ पर आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हो कैसा दिखने में लग रहा है, मुझे तो काफी ठीक ठाक लग रहा है ये। एंड साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक दो और भी बनाया है काकाशी के लिए, जो कि आप लोग देख सकते हो, इसमें भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, काफी ज्यादा बढ़िया लुकिंग आएगी इसमें भी। सो आप लोग बताना गाइस आपको कैसा लगा। अभी बढ़ते हैं नंबर फोर की तरफ, तो नंबर फोर पे क्लासरूम ऑफ लाइट, जो कि काफी फेमस एनिमी है, इसका मेन करेक्टर आयानो कोजी कुन, आयानो कोजी ऐसे इसका कुछ नाम रहता है, बट ये काफी ज्यादा मतलब ओपी करेक्टर है, एंड बहुत लोगों को पसंद है, मेरे को भी ये बहुत पसंद है करेक्टर। एंड इसकी तो लुकिंग काफी सिंपल है, लेकिन इसकी जो मेन ड्रेस है स्कूल वाली वो तो नहीं बन पाई, बिकॉज इसकी मेन ड्रेस से मिलती जुलती तो मुझे कोई परफेक्ट ड्रेस मिल नहीं पाई, तो इसलिए मैंने इसका सेकंड लुक बनाया। ये वाला लुक भी ये बहुत बार पहनता है एनिमे के अंदर, तो ये वाला लुक भी यार बहुत ज्यादा ओपी है। एंड ये लुक तो इतना ईजी है ना, इतना सिंपल है, जिसे यार हर प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, मैंने बनाया भी उसी टाइप का है जिसको हर प्लेयर ट्राई कर पाए। एंड आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी लुकिंग आ रही है इसकी, एंड यार ओपी लगेगा एकदम दिखने में। एंड साथ ही साथ आप लोग इस पे व्हाइट हावर्स वाली जो टी शर्ट है ये भी लगा सकते हो, बिकॉज ये भी वो कभी कभी पहनता है एनिमे के अंदर, तो इसमें यार लुकिंग काफी बढ़िया आएगी आपकी। बताना आपको कैसा लगा है। ओके, एंड अभी बढ़ते गाइस हमारे नंबर फिफ्थ की तरफ, तो नंबर फिफ्थ पे जो एनिमे है वो है हमारा वन पीस का मेन करेक्टर लूफी, डी लूफी ऐसा इसका कुछ नेम है, मैंने ये एनिमे देखा नहीं है, लेकिन स्टिल ये काफी फेमस एनिमेज में से एक है, तो इसलिए मैंने इसको बनाया है। एंड इसको बनाने में सबसे कम टाइम लगा है, क्योंकि यार ये इतना इजी और सिंपल ड्रेस है ना इसका, बस ऊपर की जो टी शर्ट है वो सेम नहीं मिल पाई, तो मैंने दूसरी लगा दी है हीरोइक की, अगर आपके पास कोई हो तो लगा सकते हो। बाकी यार पूरी फ्री की ड्रेस यूज करके भी इसका लुकिंग बन गया है पूरा, आप लोग देख ही सकते हो यार बिल्कुल इसके जैसा ही लग रहा है, पूरा फ्री का यूज किया है सब कुछ।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। एंड इसमें तो आपकी मूवमेंट भी अच्छी आएगी। अभी बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 पे डायमंड स्लेयर का एक करेक्टर है ये वाला। इसका नेम मेरे को नहीं पता सीरियसली इसका क्या नेम है, क्योंकि मैंने पूरा नहीं देखा है डायमंड स्लेयर। लेकिन इसकी जो लुकिंग है आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो, इसमें मोस्टली टॉप ऑफ वाली चीजें यूज हुई है। तो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ इसकी मेन लुक। तो यहाँ पे गाइस आप लोग इसका पूरा लुक देख सकते हो कुछ इस तरह का आएगा। आई नो ये इतना परफेक्ट या अच्छा नहीं बन पाया, क्योंकि यार मेरे पास प्रॉपर ड्रेसेस नहीं थी। जितनी थी मेरे पास उतनी मैंने बनाने की ट्राई की, मैंने फ्रेंड के आईडी में जितनी थी उतनी मैंने बनाने की ट्राई की। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा है ये। एंड अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करेक्टर की तरफ। तो ये जो लास्ट वाला है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैंने पर्सनली अपनी तरफ से डाला है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एनिमी है। इसको ही देखकर मैंने एनिमी देखने स्टार्ट किए थे। तो जो है हमारा लुकिज्म, एंड मैं लुकिज्म का डैनियल पार्क बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारा मेन करेक्टर है। एंड इसकी वैसे तो बहुत सारी ड्रेसेस है एनिमी के अंदर, लेकिन इसकी जो मेन ड्रेस है वो ये स्कूल वाली ही है। वेबट्यून के अंदर भी इसकी बहुत सारी ड्रेसेस है। एंड जिन लोगों ने इसकी वेबट्यून पढ़ी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हो, थोड़ा वैसे ही बनाने का ट्राई किया है मैंने अपनी तरफ से। एंड जो टाई वाली ड्रेसेस है हमारी फ्री फायर में काफी कम है, जिसमें टाई भी और ऊपर से जैकेट वगैरह भी हो, तो उस टाइप की ड्रेसेस ना कम है या तो मेरे पास नहीं, अलग बात है। बाकी आप लोग देख सकते हो इस ये वाले हेयर्स भी लगाओगे तब भी काफी अच्छा लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। सो ओके गाइस हमारे कॉम्बिनेशन हो गया, आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर किसी का फेवरेट करेक्टर रह गया है तो माफ करना, बिकॉज यार इतने सारे करेक्टर्स थे तो यार मैंने सारे मेन मेन ही चूज किए। एंड अगर आपको इसका फीमेल वर्जन भी चाहिए तो कमेंट में अपने फेवरेट फीमेल करेक्टर्स के नेम लिख देना, मैं फीमेल वाला भी बना दूंगी। लेकिन फीमेल वाला तभी आएगा जब इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं फीमेल वाला भी या फिर इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगी। ओके ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ में बेल आइकन है प्यारे प्यारे हाथों से ऑन भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।